नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। इस साल के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि लोक अदालत का जो शेड्यूल जारी हुआ था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो इस साल की जो आखिरी लोक अदालत है वह 9 दिसंबर 2023 को लगाई जानी है। बट दिल्ली के संबंध में कुछ चेंज हुआ है लोक अदालत की डेट के संबंध में, तो आज की इस वीडियो में क्या चेंज हुआ है लोक अदालत के संबंध में दिल्ली में इसके संबंधित मैं जानकारी देने जा रहा हूं। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में यह बताया है कि जो लोक अदालत की जो डेट है दिल्ली में वह 10 दिसंबर 2023 को सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जा रही है, जैसे कि तीसहजारी, खड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका, राव जेवेन्यू कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाई जानी है। सिविल मैटर जिसमें आपसी समझौता होने की संभावना है वह इसमें लिए जाएंगे। क्रिमिनल मैटर जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं वह इसमें लिए जाएंगे, तलाक के मामले को छोड़कर। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट और DRT के साथ साथ जो परमानेंट लोक अदालत हैं और दिल्ली स्टेट कंज्यूमर फोरम या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के मैटर भी इसमें लिए जाएंगे। मैटर को लोक अदालत में मार्क कैसे करना है इसके बारे में बताया गया है कि जो भी पार्टी है अपने मामले को लोक अदालत में लगवाना चाह रही हैं तो उनको जिस भी कोर्ट में उनका मैटर चल रहा है उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लोक अदालत की डेट से पहले देनी होगी, जिससे उनका मैटर जो है वह लोक अदालत में मार्क हो सके। इस नोटिफिकेशन में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चलान कब डाउनलोड होंगे और कैसे लगाए जाएंगे इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो जब भी इसकी जानकारी से संबंधित नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जानकारी उस नोटिफिकेशन का वीडियो के माध्यम से आपको मैं दे दूंगा। लेकिन इससे इतना कंफर्म हो गया है कि दिल्ली में जो लोक अदालत की डेट है वह 10 दिसंबर 2023 की डेट है और ट्रैफिक के चलान भी जो होंगे दिल्ली के वो 10 दिसंबर 2023 को लिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।